Hey guys, welcome to Spartan Subs. I hope guys are अच्छे होंगे. So guys, जैसे कि आप सबको पता है जो मिशन इग्निशन जो मोड है वो हम लोग का 2 महीने के लिए आया है और मैं आपको बोला था कि मिशन इग्निशन जो थीम मोड है उसी थीम से हम लोग को बहुत सारे इवेंट देखने को मिलेगा. मंथ ऑफ जुलाई में हम लोग को टोटल 4 इवेंट देखने को मिला जो कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हो, जिसमें से 2 जो इवेंट था वो कॉमन इवेंट था जो कि आपको BGMI एंड पबजी मोबाइल के अंदर दोनों में देखने को मिला. सबसे पहला जो इवेंट आपने देखा उसका नाम था वाओ फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो कि 13 जुलाई को आया था और ये दोनों प्लेटफॉर्म में अवेलेबल था. आप डेफिनेटली कमेंट करना कि आपका कितना पॉइंट जमा हुआ, आपने रिडीम किया भी कि नहीं आउटफिट. ये वाला इवेंट मैं बहुत लेट से स्टार्ट किया जिसके चलते मेरा बहुत कम स्क्रैप बचा हुआ जैसे कि आप देख पा रहे हो. मुझे डाउट है कि मुझे मिलेगा भी कि नहीं. जैसे कि आप देख पा 30 पॉइंट हो चुका है, मतलब 30 गोल्डन कूपन हो चुका है और उसके साथ साथ आप देख पा आज का बचा हुआ, तो डेफिनेटली इसको मैं कंप्लीट करूंगा. और ये जो इवेंट है 11 को ख़त्म हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लोग 2-2 करके देखें तो हो सकता है, चांसेस बहुत कम है, बट मुझे लगता है कि मिल जाना चाहिए. अगर हो गया तो अच्छा बात, नहीं हुआ तो क्या ही कर सकते, क्योंकि बहुत लेट में मैं ये इवेंट एक्चुअली में खेलना स्टार्ट किया था और इसका जो चिप्स है उसको कलेक्ट किया था. तो पहला इवेंट आपको पता है वाओ टेक्नोलॉजी जो कि 13 जुलाई को आया था. और जो रिसेंटली जो इवेंट है 27 जुलाई को, वो आपको पता है फ्यूचर लीप. ये इवेंट को मैं सीरियसली लिया हूँ, जैसे कि आप देख पे मेरा ऑलरेडी 73 हो चुका है और 11th को ये इवेंट खत्म हो जाएगा, उसके साथ साथ आज का पूरा बचा हुआ, तो ये बैकपैक तो मैं मिस नहीं करने वाला. आप डेफिनेटली कमेंट करना आपका कितना पॉइंट है. मेरा तो 73 हो गया, मोस्ट प्रोबेबली आज का इवेंट खत्म होने के बाद 80 हो जाएगा, उसका 20 करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, तो ये तो था जो कि जुलाई मंथ का इवेंट है. अभी हम लोग अगस्त मंथ का चार्ट देख लेते हैं. जैसे कि आप देख पा रहे आपके स्क्रीन में अगस्त मंथ का चार्ट आ चुका है और अनफॉर्चुनेटली इस बार केवल जो इवेंट डाला गया वो केवल एक ही इवेंट है जिसमें आपको एक परमानेंट आउटफिट और हेडगियर मिलने वाला है. और एक चीज बता देते, ये मिशन इग्निशन थीम का इवेंट है, इसके अलावा आपको और इवेंट देखने को मिल सकता है. ठीक है, ये थीम का ये लास्ट इवेंट है जो कि आप देख पा रहे हो 11th अगस्त को आने वाला है. और ये जो इवेंट है ये दोनों वर्जन में आपको दिखाई देगा, BGMI एंड पबजी मोबाइल के अंदर, और इसका नाम रहेगा ड्रीम टीम Phase 2. तो ड्रीम टीम इवेंट है वो 5 महीना पहले ऑलरेडी हम लोग पबजी मोबाइल के अंदर आया हुआ था, उसका ही Phase 2 आ चुका है. और थोड़ा बहुत मैं आपको इवेंट के बारे में बताने वाला हूँ, तो वैसे डिटेल में वीडियो आपको 11th अगस्त को देखने को मिलेगा, बट आज के वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाने वाला हूँ कैसे ये आउटफिट रहेगा, कैसे इसका हेडगियर रहेगा, एक्टर के ऊपर कैसे दिखेगा जो कि हम लोग को परमानेंटली मिलने वाला, इवेंट कैसे तरीके से काम करेगा वो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा. ठीक है, तो 11th अगस्त का आपको वेट करना होगा ड्रीम टीम Phase 2 के लिए. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका आउटफिट दिखा देता हूँ जो कि कैरेक्टर के ऊपर कैसा लगेगा. थैंक्स टू प्रियांक गेमिंग जिन्होंने मुझे कंप्लीट लिंक्स प्रोवाइड किया है, उनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके सपोर्ट कर सकते हो, उनका चैनल वापस आ चुका है. ठीक है, तो इधर आप देख पा रहे हम लोग के पास वो वाला जो आउटफिट है जो आपको परमानेंट मिलने वाला वो आपको दिखाई दे रहा, आर्टिक स्पाई कवर और उसका हेडगियर आप देख पा रहे हो. ये कंप्लीट आउटफिट आपको फ्री में परमानेंट मिलने वाला है. 11 को इवेंट स्टार्ट होगा और जितना दिन चलेगा उसी टाइम इंटरवल में आपको ये आउटफिट लेना होगा. ये जो आउटफिट है ना मुझे देखा देखा लग रहा है, मतलब कहीं तो मैं देखा था. और सबसे बेहतरीन बात है कि ये भी आउटफिट लेजेंडरी आउटफिट है, तो भाई लेट से ही सही, बट BGMI वाला एंड पबजी मोबाइल वाला आपको लेजेंडरी सामान दे रहे. इससे पहले बैकपैक भी लेजेंडरी था, अभी जो ये आउटफिट आप देख पा रहे ये भी एक लेजेंडरी आउटफिट है. ओपी वाला बात है, गर्ल कैरेक्टर बॉय कैरेक्टर दोनों में ओपी लग रहा है. तो चलो इससे मिलता जुलता एक आउटफिट मुझे लगता है Season 8 रॉयल पास में मिला था, तो चलो देख लेते कि मैं सही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि गलत है. तो इधर हम लोग थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं. यस, ये तो नहीं है ये वाला इवेंट, ये जो देख पा रहा आउटफिट, यस पीछे पीछे थोड़ा बहुत इसका जो अभी हम लोग को मिलने वाला उसी से मिलता जुलता है. डेल्टा स्क्वाड सेट आप देख पा रहे हो, ये सेट उसी वाला आउटफिट का बोल सकते हैं, रेप्लिका किया गया थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ. तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इवेंट है कैसे काम करेगा. वैसे डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि डिटेल वाला वीडियो आपको 11 को ही देखने को मिलेगा, बट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कैसे काम करेगा. तो आपको पता है 5 महीने पहले हम लोग को ड्रीम टीम नाम का एक इवेंट दिखाई दिया जिसमें अगर हम लोग स्क्वाड के साथ या डुओ के साथ खेलेंगे तो हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता था. इसमें आपको सिंपली आपको एक स्क्वाड बनाना पड़ता था और एक चीज़ मेक्श्योर करना पड़ता था कि अगर आप एक टीम बना रहे हो और उसी के साथ मैच खेलोगे तभी जाके ये प्रोग्रेस बार बढ़ता था. और जितना मुझे याद रहा 7 डेज तक आप वो टीम को डिसबैंड भी नहीं कर सकते थे, मतलब जो टीम आपने फॉर्म किया था 7 दिन तक वो टीम को हटा नहीं सकते थे. और वही टीम का प्लेयर के साथ अगर आप खेलोगे तभी जाके आपका प्रोग्रेस बढ़ेगा. ठीक है, अगर 3 प्लेयर के साथ भी खेलोगे तब भी ये प्रोग्रेस नहीं बढ़ता था. तो इवेंट का थोड़ा बहुत ऐसे ही काम करने का तरीका, इसका स्क्वाड एंड डुओ वाला वर्जन दोनों अलग अलग अवेलेबल था. और इधर आप देख पा रहे जैसे आपको डेली बेसिस मिशंस कंप्लीट करेंगे
पॉइंट बढ़ता था, और जितना ज्यादा मैच खेलोगे वो स्क्वाड के साथ तो ऑटोमेटिकली आपका जो नीचे प्रोग्रेस बार आप देख पा रहे हो जैसे जीरो में, तो वैसे बढ़ते जाएगा और लास्ट में जाके आपको परमानेंट एक आउटफिट मिलेगा। तो इधर आप देख पा रहे कुछ पेंट्स है, स्क्रैब है, उसके साथ साथ कुछ टाइम लिमिटेड आउटफिट भी आपको दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आपने देखा कि एक टाइटल भी है जो कि टाइम लिमिटेड है, ड्रीम टीम टाइटल। तो इधर आप देख पा रहे 85 लेवल में एक टाइटल आपको मिल रहा था, उसका रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड है, 110 में आपको एक क्रेट मिल रहा था, और 120 मैच अगर आप अपने फ्रेंड के साथ कंप्लीट करते तो ऑटोमेटिकली आपको एक आउटफिट मिल रहा था। ठीक है, तो 5 महीना पहले ये इवेंट आया था, मतलब फेब का महीना में आया था, और लगभग ये 1 महीने का इवेंट था। तो यही गेस आप कर सकते हो कि हम लोग का मिशन इग्निशन जब तक ये चलने वाला, जो कि सितंबर का फर्स्ट वीक तक चलने वाला, तब तक ये इवेंट को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसका टाइम पीरियड हो सकता है, अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन देता है। बट मेक श्योर करना कि जो फ्रेंड के साथ आप खेलते हो वो ऑफलाइन नहीं होना चाहिए, अगर एक भी फ्रेंड ऑफलाइन रहेगा, 3 बंदे के साथ भी खेलोगे तब भी ये मिशन कंप्लीट नहीं होता। तो इसीलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो एक्टिव बंदा है उसी को लेना टीम में, और उसी के साथ ही आपको 120 मैच खेलना है। अब देखो नया वाला इवेंट का कुछ अलग रिक्वायरमेंट हो सकता है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे, बट अगर हम लोग पास्ट का जो इवेंट इसको देख के रखें तो हम लोग का एटलीस्ट 120 मैच तो खेलना ही है वही पर्टिकुलर टीम के साथ, तभी जाके पूरा जो इवेंट है वो उसका रिवॉर्ड हम लोग को मिल जाएगा। ठीक, तो ओवरव्यू में हम दिखा दिया, और भी डिटेल हम लोग बात करेंगे 11 तारीख को जिस दिन ये इवेंट आएगा, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ये चीज़ करना है, क्या क्या टाइम पीरियड है, क्या क्या रूल्स है, ओवरऑल पूरा डिटेल मैं बताऊंगा 11 को। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको समझ में आ गया कि 11th ऑफ अगस्त को हम लोग को मिशन इग्निशन बोल सकते थीम से रिलेटेड एक और लास्ट इवेंट देखने को मिलेगा, और ये जो इवेंट होने वाला दोनों प्लेटफॉर्म में अवेलेबल रहेगा, BGMI एंड PUBG Mobile। चलो इतना रखते हैं वीडियो को, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।